की हड़ताल पांचवें रोज भी जारी है। माइनर सा रिलीफ है सर, उससे दूर है, उनको लॉस है, वो लॉस में काट रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट मुनीब खालिद। जैसे कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता दो तीन दिनों में पूरे पंजाब में जो साथ एक तंदूर के मालिक हैं, जो कि मैं अभी न्यू सिटी फेज टू में हूँ वाकेंट में, और मेरे साथ एक तंदूर के मालिक, नाम बताएं माशाल्लाह से, क्या बासित नाम है, अब्दुल बासित। तो बासित भाई, जो सबसे पहले जो दो तीन दिनों से तंदूर बंद थे गुज़िश्ता, इसके बारे में क्या इसकी रीज़न है, क्यों बंद थे ये? बस वो रेट का इशू चल रहा था, गवर्नमेंट हमें कह रही है कि आप सस्ते रेट पर रोटी सेल करें, लेकिन हमें वो गैस में कोई रियायत नहीं मिल रही, आटा में इतना खास डिस्काउंट नहीं आ रहा। दो तीन इंपॉर्टेंट सवाल एक उठाया, तो आपके मुताबिक रोटी और नान की क्या प्राइस होनी चाहिए? जिसमें से जो एक बयान आया है कि रोटियों का रेट ये 16 रुपये करें या नान का रेट 20 रुपये करें, इसके मुतरादिफ जो उन्होंने दूसरी तरफ आपको आटे में या गैस में या किसी और रेंट में आपको